बस वसीयत के हवाले से क्या, ये तो गाय बगाए जब भी मतलब एक इनसे बात होती थी तो वो यही कहते थे कि चीफा साहब जब मेरा इंतकाल होगा, जब मेरा विसाल होगा तो आपने ही सारे इंतजाम को देखने। तो मैं ऐसे ही उनसे कहता था कि भाई आप ऐसी बातें ना किया करें, किसको क्या पता कि किसका बुलावा पहले आ जाए, हमें किसी को हम में से किसी को नहीं पता ये। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको नई लंबी ज़िंदगी दे, उम्र खिज़र अता फरमाए, मैं तो यही दुआएं देता था, यही कहता था। लेकिन बहरहाल तकदीर का जो लिखा हुआ होता है उसको कौन टाल सकता है। अच्छा रमजान साहब, जज्द खाकी ये भी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम लेके जा रहे हैं आगा खान अस्पताल से JPMC पोस्टमार्टम के। ठीक है, फिर पोस्टमार्टम होने के बाद छिपा सरकारी जो है वो लेके जाएंगे इनको। अच्छा, और फिर वहाँ पर बैठ के जो भी इनके सारे तदफीन के मराहिल या कुछ चीज़ें तय हुई अभी या नहीं हुई? नहीं, अभी तक तय नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला ये पोस्टमार्टम करने के बाद जब छिपा साहब थाने जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको तदफीन के जितने भी मामला हैं तो वो तय कर लेंगे कि कहाँ। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, आगा खान के अस्पताल से कोई कॉज ऑफ डेथ बताई गई है? नहीं, अभी इन्होंने कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब यहाँ लेकर आए थे तो 1:20 के ऊपर आगा खान अस्पताल छिपा एम्बुलेंस इनको लेके पहुँची थी। तो इन्होंने बताया आगा खान अस्पताल वालों ने कि 15-20 पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये ब्रॉड डेट हमारे पास लेकर आए। फैमिली से आपका कोई रब्ता हुआ, कोई बातचीत? जी, मोहसिन दुरानी साहब हैं, ये आमिर लियाकत साहब के बचपन के दोस्त हैं।